डॉक्टर सिंह ने जो कुछ भी बातें कही किसी के चले जाने के बाद में उसके गुण होना यह परंपरा रही है और इस परंपरा के तहत जो भी लोग सब इन्होंने कहा आत्मा को जाना है। हमारे शरीर में वो कौन सी चीज है जिसके निकल जाने से ये शरीर निष्क्रिय हो जाता है। हमें अब चिंता लगती है कि इसको हटाओ, जल्दी से हटाओ। सुना है, पढ़ा है और ज्ञान भी हमारे गुरुओं ने दिया है कि जिसे हम आत्मा कहते हैं। और गीता में भगवान ने ये भी कहा कि मत परक्रम नाम किंचित धनंजय। हे धनंजय, इस संसार में जितने लोग हैं या जितने जीव हैं वो हम माला की व्यवस्था से हमसे पूछे हुए हैं, कोई मुझसे अलग नहीं है। हम रोते हैं, गाते हैं, बिगड़ते हैं, मेरा मित्र चला गया, मेरा फलाना चला गया, मेरा ये हो गया, लेकिन हमारे अंदर ज्ञान की शक्ति होनी चाहिए कि इस दुख को हम बर्दाश्त कर सकें। और उसके लिए फिर गीता में भगवान ने कहा कि वाह शांति रहानी यथा विधाय नवानी गृहणाति नरोपराणि। वाह, हम इस शरीर को त्यागते हैं, त्यागने के बाद में ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है और मिट्टी में मिलने के बाद में वो चीज जो होती है आत्मा परमात्मा में मिल जाता है, ऐसा गीता में कहा जाता है। ऐसे भी तो कहते हैं ना कि जल से कुंभ कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी फूटा कुंभ जल जल ही समाना कहते हैं यानी पाप। सच्चाई सच्चाई तो प्रभु ने जितना हम लोगों को जितने समय के लिए भी मुझे आयु दी उसमें हमने कितने कर्म किए। मॉडर्न स्टेज में हम इस चीज को कहेंगे कि जस्ट वी आर कैरिंग द करेक्टर। व्हाट करेक्टर? द करेक्टर ऑफ आवर लाइफ दैट इज ऑन योर चैरिटीज वर्क। क्या किया, कैसे किया? तो यूं भी कहते हैं कि दिस स्टेज दिस अर्थ इज ए ड्रामेटिक स्टेज आर टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू आवर इनर पावर। व्हाट इज इनर पावर? आपने कैसे किया, किस तरह किया, क्या किया? और यही गुण जो है डॉक्टर सिंह जैसे और लोग अपने व्यक्त के लिए गाते हैं। बहुत लेंदी नहीं करूँगा, बस ये है कि हम सब जो है डॉक्टर सिंह ने कुछ कहने को कह दिया। सभा का सभापति भी इन्होंने हमें ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये पहले और लोगों से भी लोग शब्द मुखातिब हो जाते हैं। अध्यक्ष के मार्फत तो पाल ही नहीं होता है और सब जान के मैं सबको बता रहा हूँ कि श्रद्धांजलि सभा के बाद मौन के बाद में सब अपने अपने ठीक है। तो अच्छी बात है, हम सीखें जाने समझें इस चीज। और मैं अपनी तरफ से कहूँगा कि मेरे साथ मेरे जूनियर थे डॉक्टर एक वर्ष जूनियर थे। हम सब जो भी आता है अपने तरफ से यहाँ पर उसके अंदर फिट नहीं होंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सर्वाइवल टू द फिटेस्ट, इसलिए हमको फिट होना होगा तब हम सर्वाइव कर पाएंगे। दूसरी समाज में दूसरी सोसाइटी में हम यहाँ आकर के अपने को इस्टेब्लिश करते हैं, बहुत सी चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है। मैं सुना उनके समीप में बहुत ज़्यादा रहे हैं डॉक्टर राय हमारे बीच में हैं, डॉक्टर एक ही राय से मैं बाकी दोस्तों
के परिप्रेक्ष्य में कहें। डॉक्टर साहब के बारे में कुछ बोलने के लिए हमने कहा है, ठीक ही कहा है। ये यहाँ हावड़ा में जब आना शुरू किए उसके बाद सबसे करीबी हम ही रहे हैं, हमारे यहाँ लोग रुकना बैठना था, परिवार संबंध हो रहा है। तो सिंह जी ने बहुत कुछ बताया उनके बारे में, अभी भी मेरे उदाहरण दे करके उनके प्रभाव और पावर का एक एग्जाम्पल बता दें आप लोगों को। एक बार उस समय की बात है जब मोबाइल अभी नहीं आया था, मैं दीघा गया था और हम लोग तीन परिवार के लोग थे, बहुत अच्छा होटल बुक किया गया था तीन दिन के लिए, और एक ही दिन में ऐसा फैसला किया गया कि अब इस होटल में नहीं आना है, यहाँ के एम्बुलेंस से यहाँ लोगों की बात है ठीक है। लेकिन होटल वाला कह रहा था कि चार्ज तो हम तीन दिन का ही लेंगे। डॉक्टर साहब को हमने फ़ोन किया, बोले कि वहाँ सबसे करीब जो थाना है वहाँ आप चले जाइए और वहाँ जो बड़ा बाबू है उसे मिलिए, वो सब व्यवस्था करें। गए हम मिलने के लिए, बड़ा बाबू ने कहा कि वहाँ थाना का एक बड़ा बाबू था, बोला कि आप 10 मिनट बैठिए, वो गाड़ी लेकर के होटल वाला आएगा और आपको एक दिन वाला भी पैसा लौटाएगा और आपको जहाँ जाना जिस होटल में जाना चाहेंगे वहाँ पहुँचाएगा। तो डॉक्टर साहब का ये प्रभाव उस समय का है जब मोबाइल नहीं आया था, मेरा ख्याल है बहुत बहुत पहले की बात। तो ही वॉज सो पावरफुल मैन, बंगाल की धरती पर इतना पावरफुल डॉक्टर हमने नहीं देखा। इनकी व्यवस्था इनका व्यवहार कहाँ नहीं था, मैं जानता हूँ इनकी पत्नी का देहांत जम्मू कश्मीर गए थे घूमने के लिए, वहाँ पहुँचा था, वहाँ पर भी वहाँ की सरकार का जो एक इंतजाम होता है VIP के लिए वो इंतजाम मिला है। तो ही वॉज सो पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सन, आप लोग भी जानते हैं, थोड़ा बहुत हमने भी बता दिया, हमसे बहुत पुराना संपर्क संबंध रहा है जिससे, और बंगाल की धरती पर इस व्यक्ति का रहना हम लोगों के लिए बड़ा लाभकर था। संपर्क और संबंध हो चाहे नहीं हो, कोई कहा तो सकता ही था, एक होम्योपैथ की डॉक्टर एन राय होम्योपैथ है और उनकी प्रतिष्ठा का ये लेवल है। तो इस तरह से हम लोगों को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इसमें तो किसी का बस नहीं है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को जो इस विपत्ति की घड़ी है उसमें धैर्य। Thank you.